एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल में ममता के खिलाफ बीजेपी की बड़ी रणनीति सामने आई है। टीएमसी के 150 से ज्यादा बागियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। 289 उम्मीदवारों में 150 से ज्यादा टीएमसी के बागियों के सहारे अब ममता को मात देने की रणनीति बनाई जा रही है। टीएमसी के 150 से ज्यादा बागियों को टिकट बीजेपी दे रही है। पूरी स्ट्रेटेजी और इन्हीं के सहारे किस तरीके से ये पूरी रणनीति बनाई गई है कि टीएमसी को मात दी जाए। ये वो लोग हैं जो नाराज हो गए थे, टीएमसी से साथ छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया। के भेदिए दीदी का किला ढहाएंगे, बीजेपी के अखाड़े में टीएमसी के भेदिए, गेम चेंजर 150 से डर गई दीदी। बंगाल का चुनावी घमासान बेहद रोमांचक हो चला है। परिवर्तन का नारा लेकर बीजेपी हवा का रुख बदलने में जुटी है तो ममता बनर्जी खेला होबे के नारे के साथ ताल ठोक रही है। इन सब के बीच बीजेपी की जिस रणनीति ने दीदी के होश उड़ा रखे हैं वो है टीएमसी के बागियों और दीदी से नाराज लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना। बीजेपी जिस टीएमसी को उखाड़ने की बात कर रही है उसी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब तक बीजेपी ने कुल 289 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। इनमें से करीब 150 ऐसे हैं जो ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में आए हैं। बंगाल में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक 150। बंगाल की फाइट में दीदी सेना पस्त। ममता के साथ टीएमसी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुकुल रॉय 2017 में अलग होकर बीजेपी में गए थे, लेकिन चुनावी मौसम में तो जैसे ये सिलसिला ही बन गया। पिछले कुछ महीनों में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, सोनाली गुहा समेत कई बड़े जमीनी नेता ममता का हाथ झटक कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। 2011 में जब ममता ने लेफ्ट का गढ़ ध्वस्त किया था तब उन्हें बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का साथ मिला था। आज ये कलाकार बीजेपी के साथ खड़े हैं, वो चाहे पायल सरकार हो, अंजना बसु हो या फिर तनुश्री चक्रवर्ती और यशदास गुप्ता, सब बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब तो कांसी से सांसद और शुभेंदु अधिकारी के पिता सुशील अधिकारी भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कहाँ था वो लोग? ये जिला में एक भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था टिल दिस आई एंड माय फैमिली ज्वाइन। वी ज्वाइन, फ्लैग वाज हमास वाज हाई टू हाई हो गया तृणमूल का, इतना ज्यादा जो मिल गया उसको बहुत ज्यादा मिल गया और जो ज्यादा खत्म हो जाएगा। टीएमसी के 150 से ज्यादा भेदिए दीदी का किला ढहाने के लिए बीजेपी के साथ मैदान में इनका अपने अपने इलाकों में अच्छा खासा असर है। शुभेंदु अधिकारी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। चुनावी नतीजे क्या आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि टीएमसी के ये भेदिए इस बार बंगाल में कमल खिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सरफराज जुड़ चुके हैं पुरुलिया से। सरफराज, जो ये 150 बागी हैं जो टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या ये गेम चेंजर साबित होंगे बीजेपी के लिए? देखिए बिल्कुल प्रीति, जिस तरह का आप भी कह रहे हैं गेम चेंजर साबित होंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। क्योंकि जिन इलाकों में मैं दौरा कर रहा हूं इन इलाकों में बीजेपी का बड़ा खासा जनाधार है और पहले चरण के मतदान इसी इलाके में होने हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मैंने कई ऐसे लोगों से बातचीत की है जो टीएमसी में थे, शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे, ममता दीदी के बेहद करीबी थे, वो टीएमसी छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनकी कोशिश ये है कि किस तरीके से बीजेपी के जो मिशन 200 है उसको बढ़ाया जाए और इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरीके से मैं तमाम इलाकों में जा रहा हूं तो वहां लोगों का नजरिया पहले चरण में तो यही है कम से कम कि वहां पर बीजेपी को जिताया जाए, क्योंकि बीजेपी के इस इलाके से सांसद आते हैं। चाहे आप पुरुलिया की बात करें, चाहे आप झारग्राम की बात करें या फिर आप बांकुड़ा की बात करें, और मैं इस वक्त खड़गपुर के रास्ते में हूं जो जहां पर खुद दिलीप घोष जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो वहां से एमपी हैं। तो ये तीनों चारों जो इलाके हैं जो जंगल महल के इलाकों में आते हैं ये बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि पहले चरण का चुनाव यहां पर है। तो इस जाहिर है कि बीजेपी लगातार टीएमसी को घेरने की यहां कोशिश कर रही है और उसकी कवायद भी आपने देख ली कि यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लगातार देश के गृहमंत्री अमित शाह खड़गपुर में आए, उसके बाद मेदिनीपुर में, कल खुद प्रधानमंत्री अमित शाह खड़गपुर में आएंगे। प्रत्यूष खड़े इस वक्त हमारे साथ बैरकपुर से जुड़ चुके हैं। प्रत्यूष,
क्या इसको मास्टर स्ट्रोक समझा जाए भारतीय जनता पार्टी का? 150 ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा है जो कभी टीएमसी के बेहद करीबी रहे, यानी कि अब उनके ही पहले जो सिपा सलार रहे थे अब उनके भेदिये बनकर उन्हीं को मात देंगे मैदान में। देखिए टीएमसी के बड़े बड़े चेहरे, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ हो। बीजेपी के ऐसे ऐसे नेता ने टीएमसी ज्वाइन की है, टीएमसी छोड़कर के बीजेपी ज्वाइन की है, जो टीएमसी के हर नब्ज को जानता है। शुभेंदु अधिकारी को पता है, वो ममता सरकार में नंबर दो की स्थिति में थे, नंबर दो की उनकी हैसियत थी ममता सरकार में, और वो ममता के बेहद करीबी थे। उनको पता है कि टीएमसी में कहां कहां हमारा जनाधार सबसे ज्यादा था और कहां कहां कम है। ऐसे लोग जब बीजेपी में आते हैं तो उनको पता है कि हमारा कैडर कहां पर है, किन इलाकों से हम अपने वोट को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त टीएमसी के लिए है, क्योंकि उसके जितने तौर, अभी खबरें ये भी है कि अभी देखिए अभी 3 से 4 और बड़े कद्दावर नेता बीजेपी आएंगे, टीएमसी का दामन छोड़कर के बीजेपी आएंगे। आप देख रहे हैं लगातार कई सारे एक्टर्स, अपर्णा की बात जो आप कर लीजिए, देवश्री की बात कर लीजिए, ये सब ऐसे चेहरे हैं जो कि पुराने चेहरे हैं टीएमसी के। ये छोड़ रहे हैं तो लोग भले टीएमसी ये कह दे कि साहब एक्ट्रेस है, इनको टिकट नहीं मिल रहा था, अनबन चल रही थी, इन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ममता के बेहद करीबी थी अगर वो छोड़ के जाते हैं तो साथ साथ समझिए कि उनके और सारे समर्थक का कैडर भी इधर ट्रांसफर होते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में टीएमसी अब करेगी क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि टीएमसी करेगी क्या, प्रतिश लौटेंगे आपके पास। लेकिन डैमेज हो चुका है। पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बंक की जंग में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। गांधी लोकसभा से टीएमसी के सांसद शिशिर अधिकारी 21 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 21 मार्च को गांधी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली है, यानी देखिए शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। अब माना जा रहा है कि उनके पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल होते हैं। अधिकारी परिवार की प्रभुत्वता को समझना होगा। इस वक्त हमारे साथ प्रत्युष लगातार जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, अधिकारी परिवार क्या प्रभुत्व रखता है उस इलाके में सब जानते हैं, 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां अधिकारी परिवार का अब तक बेहद महत्वपूर्ण रोल रहा है, प्रभुत्व रहा है। जाहिर है कि 21 तारीख को अगर शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, कितना बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी के लिए? देखिए शिशिर अधिकारी ने, आपको याद होगा लक्ष्मी, किसके पहले ही ये बात कह दी थी कि जब से उनके बेटे मतलब शुभेंदु अधिकारी ने ज्वाइन की है बीजेपी, तब से हम मेरे साथ टीएमसी के नेताओं का बर्ताव बदल गया। कोई मुझसे मिलने नहीं आता, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, और बदल गए। 21 तारीख को वो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बकायदा ऑफिशियली अनाउंस होगा कि वो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे। और जहां तक बात अधिकारी परिवार की रही तो उस पूरे इलाके में कहा जाता है कि इनका अच्छा ऐसा प्रभाव है, यानी वोटरों के बीच में। और ये सबसे बड़ी सेंधमारी होगी टीएमसी के गढ़ में अधिकारी परिवार के द्वारा बीजेपी खेमे में सारे वोटों को ट्रांसफर कराने वाला, कि जनता वो डिसाइड करेगी कहां जाना है। लेकिन इसको लेकर के टीएमसी खेमे में जबरदस्त हलचल मची हुई है कि पूरे इलाके में शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी के भाई देवेंदु अधिकारी, ये तमाम लोग बिल्कुल, क्योंकि किस तरीके से टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से भी शिशिर अधिकारी एक शख्स है, तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए होगा। आप दोनों अपनी नजर बनाए रखिएगा, आप दोनों के पास हम लौटेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लौट रहे हैं जल्द, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।